नहीं, हम तो हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं नहीं, ये लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। तमाम सांसद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान जब लोकसभा में सपा चीफ अखिलेश यादव के संबोधन की बारी आई तो उनकी लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के साथ एक मजेदार नोकझोंक हो गई। असल में लोकसभा में शून्यकाल के दौरान स्पीकर ओम बिड़ला ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर मजेदार टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी, हम जो कमिटमेंट करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। सुनिए। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बिल पाए जो ठीक नहीं है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसद तुरंत संभल हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे थे। उस दौरान ओम बिड़ला ने कहा था कि प्रश्नकाल अभी चलने दीजिए, शून्यकाल में हम इस मुद्दे को उठाने का मौका देंगे। जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले अखिलेश यादव का नाम पुकारा। अखिलेश बोलने के लिए उठे तो बिड़ला ने कहा कि हम तो जो कमिटमेंट कर देते हैं उसको पूरा करते ही हैं, लेकिन सब दलों के नेता कमिटमेंट करने के बाद भी वेल में आ जाएं तो वो ठीक नहीं है। दरअसल प्रश्नकाल के शुरुआती हिस्से में विपक्षी नेता जोरदार शोर शराबा कर रहे थे और वेल में आ गए थे। बिड़ला ने इसी पर विपक्ष पर तंज कसा था। आपको बता दें कि बिड़ला के बयान पर अखिलेश यादव ने भी मजेदार जवाब देते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपके दाईं तरफ वाले का हिसाब किताब थोड़ा अलग है। इस पर सब लोग हंस पड़े। सुनिए। शून्यकाल से अखिलेश यादव जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बिल पाए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं नहीं, ये लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई या खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। बता दें कि एक हफ्ते तक दोनों सदन हंगामेदार रहने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक में गतिरोध खत्म करने पर सफलता भी मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ सत्ता और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सदन में जो गतिरोध बना हुआ था उस पर सबने चिंता व्यक्त की है। हमने भी कहा कि सदन में सब अपनी बात रखने के लिए आते हैं, अगर सदन इतने दिनों तक नहीं चलना और जनता के पैसों का इतने दिन तक नुकसान होना है तो ये ठीक नहीं है। सभी दलों के नेता इस बात से सहमत हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।